नमस्कार पिला इनफो ओडिशा ऑफिसर चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत पिला आज क्लास आपर ओएचपीएससी टीएनई मेकानिकल 2023 क्लास नंबर 15 सिलेबस वाइज डिस्कशन क्लास नंबर 15 हो ठीक अच्छे पिला या पूर्व 14 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो सारी तार पीडीएफ सहित तुम्हारे एमसीक्यू अपलोड हो सारी आज ये क्लास में आम आलोचना करवा जमीक टैपिंग डाइंग रही ऑफ एंड ग्राइंडिंग रही सहित स्क्रैपिंग रही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैपिंग से समस्त क्वेश्चन आपर एमसीक्यू आम सहित आलोचना करेंगे बुझेगले पे रेगुलर क्लास हो पार नहीं पे सरी कह कहीं मो देह बहुत प्रबल खराब होती तो से क्लास नहीं पार ना ताप चेस्टा करी आगे रेगुलर क्लास करने देह टे भल हो निश्चित क्लास रेगुलर हम किसी असुविधा ना तो आगे बढ़िया आज क्लास को नहीं जावा कौन अच्छी क्लास देखा जमी आपर आलोचना सरी आप कौन आलोचना सरी आपोचना सरी जाता वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ सरी ड्रिलिंग मशीन सरी सहित आपर रिमिंग सरी आजिकार आलोचना आम ऑफ एंड ग्राइंडिंग टेपिंग डाइंग स्क्रैपिंग फैशनिंग ए समस्त विषय आलोचना करेंगे ठीक अच्छे पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैकिंग एंड सिलिंग क्वेश्चन आप कमेंट्स कहते ग्रुप चर्चा करते सर ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग आ सिलिंग को आप कहीं छाड़ देते कहीं आलोचना करना सेटा भी आलोचना करवाईटा आप आलोचना कौन रोन मर जोटा कि पाइप फिटिंग्स रोक ठीक अच्छे पे आप जो एसेंबली एंड पाइप फिटिंग्स एंड पाइप जॉइंट्स गैसकेट से जगह आपर जोटा कि रही आप क्लासेसटा आलोचना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग एंड सिलिंग विषय में हेम पैकिंग पाखर नहीं कि सब प्रकार पैकिंग विषय में आम आलोचना से बुझे पे तो आज क्लास को आम आगे बढ़े ना कौन मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छी देखा जो बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे पे आलोचना करवा आगे ना देखिए क्लास फास्ट क्वेश्चन कौन आसा देखो तो प्रथम क्वेश्चन आप आसगला ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज टू इज डैश टू ग्रेन साइज आप ग्रेन नंबर टा ग्रेन साइज सहित कौन होता है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डजन डिपेंड करता है आप उत्तर से अनुसार आप जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल गोटे मिनट ओके हाँ आपर जोटा कि ये होगा आपर बी उत्तर हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझीपाले पे आपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपर उत्तर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज आप ग्रेन नंबर टा ग्रेन साइज टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल परवर्त क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी देखो ये मुझे अलरेडी दे दी ग्रेन नंबर टा अच्छे वन बाय ग्रेन साइज दैट मीन रिवर्स हो तेणु आपर एटाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझीपाले पे नेक्स्ट बढ़िया परवर्त क्वेश्चन देखिए पूर्व क्वेश्चन दिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेंज ऑफ ग्रेन नंबर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फॉर फाइन ग्रेन आप फाइन ग्रेन आप ग्राइंडिंग व्हील जो नंबर तार जो रेंज टा कौन हो आपर कौन 80 रु 180 आप समस्त जिनस पढ़े ग्रेन साइज आप जो ग्राइंडिंग व्हील चार्ट होता से चार्ट रु निश्चित गोटे दुईटा क्वेश्चन आपको पढ़ा ही पड़ो तेनाली चार्ट रु भल मन रखी जाए जमी आप बंड रहा ग्रेन साइज रहा ग्रेन नंबर रहा ठीक अच्छे पे से समस्त जिन वेट्रीफाइड बंड होगा सिलिकन बंड होगा ये समस्त विषय में क्वेश्चन आपको पचार पड़े तो आज का ये क्वेश्चन आपको उत्तर होगा 80 रु 180 जोटा कि फाइन ग्रेन्स ग्राइंडिंग व्हील फाइन ग्रेन्स परवर्त क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन से देखिए सहित आगे देखीद ये जो कथा मुझे कहे से अनुसार आप फाइन ग्रेन्स कौन हो फाइन ग्रेन्स ग्रेन नंबर साइज है 80 रु 180 जोटा कि आम पूर्व आलोचना करके आसे तापर देला मीडियम ग्रेन ले ग्रेन नंबर होगा आप 30 रु 60 जोटा कि आपर से ग्रेन नंबर साइज रेंज होगा आप कोर्स 10 रु 24 और वेरी फाइन होगा 220 रु 600 ठीक अच्छे पे या सिक्वेंशियली आप नहीं निश्चित आपको मन रही है किसी असुविधा हमने आगे बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन से देखा परवर्त क्वेश्चन आप जा पचारा क्वेश्चन टा गोटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर विल बी बेटर टू यूज फॉर मैशनिंग ऑफ हार्ड वर्क पीस आप हार्ड वर्क पीस को मैशनिंग करने को प्रकार बंड व्यवहार करते हैं विट्रीफाइड बंड दैट इज वी बंड आपको व्यवहार कर विट्रीफाइड बंड ए उत्तर जेकि आप विट्रीफाइड बंड होगा जेकि हार्ड वर्क पीस को ग्राइंडिंग करने व्यवहार करते हैं ये आईएसओ डेजिग्नेशन रही है ग्राइंडिंग रिप्रेजेंट टाइप ऑफ बंड ठीक अच्छे बोला ये फिफ्थ प्लेस आईएसओ डेजिग्नेशन फिफ्थ प्लेस को ऑक्युपाइड करती जानते दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन दिला मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू आप ग्राइंडिंग जो करते मटेरियल रिमूवल रेट हो बहुत कम हो जाए तार रिजन कौन होता है तार रिजन होगा नेगेटिव ब्रेक एंगल थी आपर स्मॉल
पार्टिकल्स ऑफ जोटा कि मटेरियल रिमूव हो ग्राइंडिंग ऑपरेशन ले सेटा मन रखिथिबे ए जो आप उत्तर ता सहित आगे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन थी ग्राइंडिंग रेसियो जनरल लाइज बिटवीन आप ग्राइंडिंग रेसियोटा लाइ करथाय कहा भीतर को दुईटा भीतर आप लाइ करथाय ये 0.5 रु 1.0 भीतर आप ग्राइंडिंग रेसियोटा अछि लाइ करथाय दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट शुड यू रिमेंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला मार्किंग कर दिते 0.5 रु आप मन पर जी जोटा कि जी आर कह जाय छै पर ग्राइंडिंग रेसियो कहै छै ग्राइंडिंग रेसियो केमती का देखंथु सेटा मु लिखि दे छी ठी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वेयर ठीक छै पिला दिस इज आप मन पर ग्राइंडिंग रेसियो रो जोटा कि फॉर्मुलेशन हो गला परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिए परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने जे ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज एमती आपको स्पेसिफिकेशन दे छी ए क्वेश्चन आपको पचारी पारे निश्चित पचारीबो जे एमते स्पेसिफिकेशन दे छी सेतिर आपको पचाला जे ग्रेन साइज ऑफ व्हील विल बी आपको ग्रेन साइज टा ए व्हील लो जो ग्राइंडिंग व्हील लो साइज रो नंबर दे छी A46 K5 B17 दैट मींस हियर व्हाट इज द ग्रेन साइज आपको व्हील लो ग्रेन साइज टा कोन होची सेरा मीडियम रहबो कोन होची कोर्स होची फाइन होची वेरीफाइन होची आपको मीडियम रहइजो ठीक पे ये पूर्व मीडियम विषय चर्चा करके कोर्स विषय समस्त जिन देखिए आसते तो आप ग्रेन साइज आप मीडियम होवर्त क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देखा कौन अच्छी ऑपरेशन डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कंसेंट्रिक विथ इट्स एक्सेस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इन नॉन एज आप कहला ऑपरेशन जो आप ग्राइंडिंग व्हील पेरीफेरी कंसेंट्रिक एक्सेस तार एक्सेस कौन से काम करते तार शेप हूँ लॉस्ट हो जाए रिकवर करने जो काम कराए कौन कही था कंसेंट्रिक दैट मीन एलाइनमेंट तार फेल ये करते ट्रुईंग करेंगे तरह ट्रुईंग कर डी इज योर आंसर ट्रुईंग एक्सेस एंड रिकवर इट्स लॉस शेप कंसेंट्रिक व्हील आप व्हील कंसेंट्रिक एक्सेस सहित लॉस शेप को रिकवर करने ट्रुईंग को व्यवहार करता हूँ परवर्त क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन द्वारा रिमूविंग ऑफ डल ग्रेन्स इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प इज नोन एज आप कहला ग्राइंडिंग व्हील बहुत डल हो जाए ग्रेन साइज तार सहित क्लॉगिंग हो जाए तो सीटा हूँ बहुत कौन क्या मिरर एपियरेंस दूसरे से व्हील को कौन शार्प कर शार्प कर ग्रेन साइज गुड़ाक आप रिमूव कर व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील शार्पनेस को बढ़ापी आम जो प्रोसेस अप्लाई करता ड्रेसिंग दैट मीन योर आंसर इज सी आप आंसर हो गला सी ड्रेसिंग कहुता परवर्त क्वेश्चन बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन कौन देखा परवर्त क्वेश्चन देला जे फ्रीएबिलिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज एसोसिएटेड टू फ्रीएबिलिटी आप कौन हो जेटा कि एसोसिएटेड करें ग्राइंडिंग व्हील क्या एसोसिएट करें फ्रीएबिलिटी आप जो फ्रैक्चर को ग्राइंडिंग व्हील फ्रैक्चर को आप फ्रीएबिलिटी जो आप एसोसिएटेड होता है जो आप कटिंग कर एज को कटिंग कर ग्राइंडिंग व्हील बहुत डल हो जाए बहुत क्लॉगिंग आसी जाइए आप ग्राइंडिंग व्हील हूँ कौन होती है ना तार ग्रेन गुड़ाक ब्रेक हो जाए एक्सपोज हो जाए तो आम कौन कहता शार्प करा पड़ता है न्यू ग्रेन आप फर्मेशन तो से जगह आप कौन हो फ्रीएबिलिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होता है जोटा कि आप फ्रैक्चर होने चांसेस होता है दैट इज योर आंसर बी ने क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन देखा जी विथ टाइम ग्राइंडिंग व्हील स्टार्ट रबिंग वर्क्स पीस इनस्टेड ऑफ कटिंग ड्यू टू डिक्रीज इन शार्पनेस द फेनोमेनन इज नोन एज आप कहला किसी समय पर किसी समय कहते हैं ग्राइंडिंग कर सारा ग्राइंडिंग व्हील कौन होता है ना सी रब करे खाली घसी हम बट किसी कौन से कटिंग हम ना कौन से कटिंग मटेरियल बाहर को आसी नाए तार डिक्रीज शार्पनेस डिक्रीज होता है से फेनोमेनन को आम कौन कही जो आप डल हो जाए कौन कहते ग्लेजिंग कह जाए मन रखे ग्लेजिंग ये चार्टा जिस मन रखे देखा लोडिंग ग्लेजिंग ड्रेसिंग ट्रुईंग दैट मीन फोर इज इज इंपोर्टेंट या गोटे क्वेश्चन आपको आस आसो यही फेनोमेनन को आम कौन कर ग्लेजिंग आगे बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देला लॉस इन द शार्पनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिप्स इन गैस ऑफ ग्रेन्स इज टर्मिनेट आप कहला जदि आप ग्राइंडिंग व्हील चिप जो आप चिप जाए क्लॉगिंग हो जाए ग्रेन में तेणु आप शार्पनेस हूँ कौन हो तार शार्पनेस हूँ लॉस हो तार जो कि जो कटिंग शार्पनेसटा हूँ लॉस हो जाए से प्रकार प्रोसेस को आम कौन कही मीनस आपको लोडिंग है आपंकर जोटा कि मटेरियाल ग्रेन में जाकि आप विभिन्न प्रकार चिप गुड़ाक जाए लोड हो जाए दैट मीन योर लोडिंग से आपको शार्पनेसटा कौन हो डल हो लॉस हो परवर्त क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन देखा परवर्त क्वेश्चन देखा पे द एक्चुअल फीड इन सेंट्रललेस ग्राइंडिंग ग्राइंडर्स आर गिवेन बाय जो डायमीटर देला डी डायमीटर ऑफ रेगुलेटिंग व्हील एंड रिवोल्यूशन पर मिनट जो आरपीएम आसता है अल्फा इज इक्वल टू जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द व्हील तहले आपन को पतला एक्चुअल फीड इन सेंट्रललेस ग्राइंडिंग आप एक्चुअल फीड कौन हो सेंट्रललेस ग्राइंडिंग रे आप हो पाई डी एन साइन अल्फा पाई डी साइन एन अल्फा ये मन रखी थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आगे बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी परवर्त क्वेश्चन देला इन सेंट्रललेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी आपको कहला सेंट्रललेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर कौटी आप
ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ସେଣ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଭ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଟୁ ହିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାର ଏଭଭ୍ରେ ରହିବ, ହ୍ୱିଲ୍ର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ହ୍ୱିଲ୍ର ଯେଉଁଟା ଟୁ ହ୍ୱିଲ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଜଏନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ତା ଏଭଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ୱାର୍କ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ରହିବ ସେଟା କେଉଁଠି ରହିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଦି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ହୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟେପର ଇଜ୍। ଆପଣ କହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ହୋଲ୍ସ ବା ଟେପର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେଥଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପଚାରିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ସେପ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି 500 ପେ କରିବାକୁ ହବ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି 500 ପେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ 1000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଗଲା, କ୍ଲାସ୍ PDF ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଇନ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଭର୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ଇଏ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କଟା ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋକେଟିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏଜ୍ ଅ ହ୍ୱିଲ୍ ଫିଟ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସିଲିଣ୍ଡିକା ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଲଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଦା ୱିଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଫିଟ୍ସ। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ଟା ହେଉଛି ତାର ହ୍ୱିଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଥିବ, ସିଲିଣ୍ଡର୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ୱାର୍କଟା ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିଥାଏ, ୱାର୍କଟା ଘୁରୁଥାଏ, ବଟ୍ ଆମେ ଫିଟ୍ ଦେଇଥାଉ ହ୍ୱିଲ୍ରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ରୋଟେଟ୍ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ୱାର୍କଟା ତା ପାଖକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜବ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥାଉ, ବଟ୍ ଏଠି ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କଟା ରୋଟେଟ୍ କରିଥାଏ, ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ ହେଇଯିବ। ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଇନ୍ଫିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ, ଆପଣ ଇନ୍ଫିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ଇଏ କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସର୍ଫେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଫର୍ମ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ଫିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଅଦର୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଟେପ୍ ଫର୍ ଟେପ୍ ଇଜ୍। ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟେପର୍ ଟେପ୍ର ଅଦର୍ ନେମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟେପର୍ ଟେପ୍ର ଅଦର୍ ନେମ୍ ହେଇଯିବ ରଫର୍ ଟେପ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଫର୍ ଟେପ୍, ଟେପର୍ ଟେପ୍କୁ ଆମେ ରଫର୍ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେପ୍ ହେଜ୍ 3 ରିଙ୍ଗ୍ ମାର୍କେଟେଡ୍ ଅନ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ, ଆପଣ କହିବା ସେକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେପ୍ 3 ରିଙ୍ଗ୍ ମାର୍କେଟେଡ୍ ମାର୍କ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣ କହିଲା ଯେ ଆପଣ 3-3 ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ମାର୍କିଂ ହେଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ, ଟେପର୍ ସରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେପ୍ରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଟେପ୍ କହିଥାଉ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଟମିଂ ଟେପ୍ କହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟେପର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବଟମିଂ ଟେପ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରିଂ ଗଜେସ୍। ଆପଣ କହିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ମେଜରିଂ ଗଜେସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା BAT ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥ୍ରେଡ୍, ଆପଣଙ୍କ BAT ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ, BA ଥ୍ରେଡ୍ ବା କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ମେଜରିଂ ଗଜେସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ଭେରିୟସ୍ ୟୁଜେସ୍, ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାପିଜୋଡିଆଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍। ଆପଣ କହିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥ୍ରେଡ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମସ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଭେରିୟସ୍ ୟୁଜେସ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାପିଜୋଡିଆଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ୍, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥ୍ରେଡ୍ର ଖାଲି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଟ୍ରାପିଜୋଡିଆଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଉ, ଫର୍ ଇଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜୋଡିଆଲ୍ ଥ୍ରେଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସି। ବଢ଼ିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର୍ ଡାଇମିଟର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଡେପ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥ୍ରେଡ୍। ଆପଣ କହିଲେ ପିଲାଟି ଯେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥ୍ରେଡ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରିପେୟାରିଂ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ସେଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ କଟିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଥ୍ରେଡିଂ।
कटिंग व्हाइल थ्रेडिंग व्हील नुहे जितने आप थ्रेडिंग करते कौन होता है आपको टाइप रेप हूँ डिस्प्लेस करते मेटेरियाल को इनस्टेड अफ कटिंग आप मेटेरियाल को डिस्प्लेस कर कौन प्रकार कटिंग कर गोटे प्लेस रो गोटे प्लेस को डिस्प्लेस करते हैं आप थ्रेड कटिंग करते तो सीटा कौ प्रकार टेप आपर जोटा कि थ्रेड फॉर्मिंग टेप थ्रेड फॉर्मिंग टेप दैट इज आप बी उत्तर थ्रेड फॉर्मिंग टेप कौन प्रकार कटिंग मटेरियल रिमूव हो नाइ दैट इज आप ओनली मटेरियल जोटा कि डिस्प्लेस होता है मन रखिए डिस्प्लेस हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन बेस्ट वायर साइज ऑफ ऑफ द वन व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द थ्रेड ग्रुप विल मेक कांटेक्ट विद द आपण पहिला जे आपण वायर साइज रहिबो जोटा कि वायर साइज आपण व्हिच व्हेन प्लेस्ड थ्रेड ग्रुप आपण थ्रेड ग्रुप प्लेस करछथि सेटा होची कांटेक्ट हेते कहां सहित जे कांटेक्ट आपण इफेक्टिव डायमीटर सहित आपण वायर गजले जेते आपण मेजर करछथि तेले आपण जेते थ्रेड ग्रुप रे ताको एंटर करछथि से इफेक्टिव डायमीटर सहित कांटेक्ट हेता दैट मींस द मिसर आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन व्हिच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू द रूट आपनकर क्रेस्ट रूट पर्यंत आपनकर वर्टिकल डिस्टेंस से कोन रहइबो वर्टिकल डिस्टेंस क्रेस्ट रू रूट पर्यंत डिस्टेंस को हमें कोन कहिताउ आपनको एठी फिगर टाइम कर दिजी थ्रेड टाइप एंटी काई थाय ना एंटी हे थ्रेड थाय ठीक अछि पिला माने आपनको एटा हे रहिगला क्रेस्ट एटा हे कोन रूट तो ए जो डिस्टेंस टाको ए जो डिस्टेंस टाको कोन कह जाय ए डिस्टेंस टाको कोन कह जाय से कथा से पचाला ए थ्रेड तो एटा तो टोटल थ्रेड रहिगला तो ए जो डिस्टेंस रहिला ए डिस्टेंस को हमें कोन कहिताउ हमें कहिताउ डेप्थ मन रखे बी जो उत्तर डेप्थ ए पर्सन टाइम क्रेस्ट दिस पर्सन इज आप रूट एटा थ्रेड रोजिशन था नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए क्वेश्चन कहला ए टेप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वर्क प्लेस आपर वर्क प्लेस ना गोटे टेप टा ब्रोकन होगा तार सरफेस ब्रोकन टेप कैन बी रिमूव्ड बाय आप ब्रोकन टेप को रिमूव करने कौन आम यूज करवा आम टेप एक्सट्राक्टर यूज करवा ठीक अच्छे पे टेप एक्सट्राक्टर यूज कर सी जो उत्तर परवर्त क्वेश्चन जी The tape used to cut thread in a blind hole is आपनकर को प्रकार रे टेप रे हमें ब्लाइंड होल कट कर पाथो सेते आपन कहि दिबो बॉटमिंग टेप रे हमें ब्लाइंड होल को कट कर पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक आपन डाई स्टॉक रे सेंटर स्क्रू प्रोवाइड करै छै कोन पर करै छै यार रीजन कोन से पचला जे टू एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करै पर हमें सेंटर स्क्रू प्रोवाइड करथौ कोथरे डाई स्टॉक रे नेक्स्ट क्वेश्चन दला ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड has an included angle of apanga british association thread jota ki apanga angle lai gala included angle hejibo seta hoche sitra apanga british association thread ro angle apanga seta simple pachala seta hejibo apanga uttar 47.5 degree that means your answer is b next question bodhiya parvati question dala je the thread angle of acme thread ro angle apan samasthe janchanti eta easy question ta 29 degree apanga acme thread ro angle parvati question jiba if I turn the bolt held क्लॉक वाइज जब आप बोल्ट हेड को क्लॉक वाइज आप टर्न कर घूरते इट गेट्स टाइटेड व्हिच थ्रेड इज आप क्लॉक वाइज आप घूरला कौन हो टाइट होती सीटी आप कौ प्रकार थ्रेड यूज होता आप पचारा राइट हैंड थ्रेड आप उत्तर हो राइट हैंड थ्रेड ठीक है पुलिस मैंने राइट हैंड थ्रेड लेफ्ट हैंड थ्रेड आप क्वेश्चन पचार था आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन आप मुवमेंट करते बोल्ट टाइट होती दैट मीन दिस इज द राइट हैंड थ्रेड बढ़िया पर क्वेश्चन परवर्त क्वेश्चन दला व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्क्रैपर इज यूज फॉर स्क्रैपिंग ऑन बियरिंग बोस रे कौन प्रकार स्क्रैपिंग करिया पई हमें को प्रकार स्क्रैपर रो व्यवहार करतो दैट इज योर क्वेश्चन तो हाफ राउंड स्क्रैपर आपनको व्यवहार करि परबे सेठी हाफ राउंड स्क्रैपर रो व्यवहार हेथाय कोठी आपनको स्क्रैपिंग ऑन बियरिंग बोस रे स्क्रैपिंग करिया पई आपनको जोटा कि हाफ राउंड स्क्रैपर रो व्यवहार हेथाय परवर्त क्वेश्चन जीवा परवर्त क्वेश्चन दला जे इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चीज from metal surface by means of sharp edge tool what is the tool called apan kahila eti apan kor pura process amle kon kota small chip ku removal kortha metal surface ru sharpening of edge tool apan kor konsi tool ku sharpening koya pai ame tar surface ru kon hoyta choto choto chips ku removal kortha se tools ru naam kon se tools ru naam apan kor heila kon scraper thik ase pila ne choto material apan small material apan kor use hita next apan kor diba kon sikyo स्नैगिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्नैगिंग इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव द मेटल बाय आप स्नैगिंग रे मेटल रिमूव होता है बाकी कौन थे कौन कौन कौ जगह आपको प्रोसेस यूज होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करते स्टार मार्क कर दिखाते ये होती है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो स्नैगिंग टा होती ग्राइंडिंग को रिलेट करे ग्राइंडिंग रे जो मटेरियल रिमूव हुए दैट इज कॉल्ड आप स्नैगिंग प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए क्वेश्चन कौन देखा व्हिच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज यूज फॉर रिमूविंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ चिप्स
ଆପଣ ମନେକର କହିଲା ଟି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରାପର ଆମେ ସୁଇଟେବିଲିଟି ରଖିଥାଉ ରିମୁଭିଂ ଲାର୍ଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଚିପ୍ସ କୁ ରିମୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରାପର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ଯେମିତିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଥାଏ ସେଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରାପର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ଏ ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପିଲାବେଳେ ଏ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଶିଖିବ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍କ୍ରାପର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ହୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡାଇମିଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଡାଇମିଟର ସ୍କ୍ରାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରାପର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ସ୍କ୍ରାପର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ସ୍କ୍ରାପର ଇଜ୍ ଆନ୍ସର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ବୋଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ ଫର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ବୋଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମେ କେପ୍ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କେପ୍ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଫାସ୍ଟିଂ ଆଉ ଟେମ୍ପରାରି ଫାସ୍ଟିଂ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ନଟ୍ ଲକ୍ନଟ୍ର ଅଦର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚକ୍ନଟ୍ ଲକ୍ନଟ୍ ବା ଚକ୍ନଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବୁଝିବା ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ବିୟରିଂ ସର୍ଫେସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାର୍ଟ ହୋୟାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆପଣ କହିଲା ଯେ ସ୍ମୁଥ୍ ବିୟରିଂ ସର୍ଫେସ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ଦ ପାର୍ଟ ହୋୟାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ସେଟା ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ମୁଥ୍ ବିୟରିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେଇଥାଏ ସେଟା ଆପଣ କହିଲା ଯେ ୱାସର ଆପଣଙ୍କର ସେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାସରକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସେ ଅକୁପାଏଡ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଫୋର୍ସକୁ ସେ ଡିସମେଣ୍ଟଲ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର ସି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହୁଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏ ରିମୁଭେବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରିମୁଭେବୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଟେମ୍ପୋରାରି ଫାସ୍ଟନିଂ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋଲ୍ଟେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରେକେଜ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ବଢିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଟ୍ସ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସେମି ସର୍କୁଲାର ସେପ୍ କ୍ୟୁ ଏକେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଫ୍ଟ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେମି ସର୍କୁଲାର ସାଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ କିଟା ଥାଏ ଓକେ ଏଇଭଳିଆ କି ଥାଏ ତେଣୁ ଏ କିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଏ କିର ନାମ କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର କି ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଡ୍ରପ୍ କି ବୁଝିପାରିଲେ ଉଡ୍ରପ୍ କି ଉଡ୍ରପ୍ କି ଆମେ ୟାକୁ କହିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାସର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର ଲକିଂ ଦ ନଟ୍ ବାଇ ବେଣ୍ଡିଂ ଦ ୱାସର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ର ଓକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ଏ ନଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାସର୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତଳକୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ୱାସର୍ଟା ଏଠି ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିଲା ସପୋଜ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏଠି ଲେଫ୍ଟି କରିଥିବ ଏଠି ଭଲ ଲଗେଇ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନଟ୍ ଆପଣ କହିଥାଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାସର୍ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆପଣ ଟେପ୍ ୱାସର୍ ଟେପ୍ ୱାସର୍ ଉପରେ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ବୁଝିଗଲେ ପିଲା ଟେପ୍ ୱାସର୍ ହେଇଯିବ ଟେପ୍ ୱାସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା ଡଲ୍ଫିନ୍ସ ଡଲ୍ଫିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଡଲ୍ଫିନ୍ସ ଆମେ ଲୋକେଟିଂ ପର୍ପଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ଲୋକେଟିଂ ପର୍ପଜ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଡଲ୍ଫିନ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା ଏ ନଟ୍ ହାଭିଂ ରେଜ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ଅନ୍ ଦ ରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାସେଲ୍ ନଟ୍ କହିଥାଉ କ୍ୟାସେଲ୍ ନଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ରହିବ ସି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ ଫିଟିଂ ଏ ସେଡେଲ୍ କି ଆପଣ ସେଡେଲ୍ କି ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନ କି ୱେ କଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସାଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେଡେଲ୍ କି କୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଫ୍ଟରେ କ୍ୟୁଏ କଟ୍ ହେଇନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଭଳିଆ ଉଲ୍ଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ ଯେ ନ କ୍ୟୁଏ କଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସାଫ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଡେଲ୍ କି ମନେ କରିବେ ସେଡେଲ୍ କି ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିବେଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ଡାଇମିଟର ବିଡ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରିବେଟ୍କୁ ସ୍ପେସିଫାଏ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ କାହାର ତାର ଡାଇମିଟର କାହାର କାହାର ଡାଇମିଟର ଅନୁସାରେ ସେଙ୍କର ଡାଇମିଟର ତା ସେଙ୍କର ଡାଇମିଟର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିବେଟ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ହେଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିନ୍ ଇଜ୍ ଫର ଲକିଂ ପର୍ପଜ୍ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଲକିଂ ପର୍ପଜ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତ ତାର ନାମ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାସେଲ୍ ନଟ୍ ହେଇଯିବ କ୍ୟାସେଲ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା ଦି ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ୱିଲ୍ସ ନଟ୍ ୱିଲ୍ସ ନଟ୍ର ଅଦର ନେମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାନ୍ ନଟ୍ ସ୍ୱାନ୍ ନଟ୍ ପଚାରିଥାଏ ଡିଆର୍ଡିଓ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ସ ନଟ୍ର ଅଦର ନେମ୍ ଆପଣ କହିଲା ସ୍ୱାନ୍ ନଟ୍ ଡିଆର୍ଡିଓ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଟ୍ର ଅଦର ନେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ପେନିଂ ନଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେନିଂ ନଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନଟ୍ର ଅଦର ନେମ୍ ହେଇଗଲା ପେନିଂ ନଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିଥିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ସେଲ୍ଫ ଲକିଂ ନଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଲକିଂ ନଟ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ସାଇମନ୍ ଲକ୍ ନଟ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଲକିଂ ନଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ସାଇମନ୍ ଲକ୍ ନଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସେଲ୍ଫ ଲକିଂ ନଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଣ୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଣ୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସ୍ଲାକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯୋଉ ଯୋଗୁଁ ନଟ୍ ଯୋଉ ଢିଲା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ଢିଲା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯୋଉଟାକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନଟ୍କୁ ଢିଲା ହେବାକୁ ଦେବ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଲାକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା
डायमेंशन ऑफ नॉट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आपको नॉट रो डायमेंशन केमिति का जोटा कि सेग्रीगेट करथौ बा कैरेक्टराइज करथै क्लासिफाई करथै से जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट आपन नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट आपन डायमीटर जोटा कि नॉमिनल बोल्ट जोटा नॉमिनल डायमीटर हो से हम नॉट रो डायमेंशन को एक्सप्रेस करथौ परोति क्वेश्चन देला व्हिच टाइप ऑफ की यूज फॉर कपलिंग ए पुली विथ ए शाफ्ट आपन पहला को प्रकार की आमे व्यवहार करथौ जते बेला आपन शाफ्ट बा पुली रे कपलिंग कहिया पई पुली शाफ्ट आपन कपलिंग कहिया पई को प्रकार की रे व्यवहार जाय गिव हेडेड की अब की मन रखि जाइथिबे निश्चित को की रु क्वेश्चन आसीबो परोति क्वेश्चन देला जे व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर रो रेशियो कोन होइबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा की वे टेपर रो रेशियो आपन कहियो 1:100 दैट इज योर आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि द अपर पर्सन ऑफ ए हेक्सागोनल नॉट इज चैम्फर्ड एट एन एंगल ऑफ आपन को हेक्सागोनल नॉट रे जो चैम्फरिंग हेताय से चैम्फरिंग रो एंगल से आपन पछला से एंगल आपन को वैल्यू हिजो 35 degrees 35 degrees आपन आंसर हिजो परवर्ती क्वेश्चन कोन छि देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला जे द थिकनेस ऑफ एन हेक्सागोनल नॉट थिकनेस ऑफ ए हेक्सागोनल नॉट मे बी द रेंज ऑफ डेस डायमीटर डी हेला आपन बोल्ट डी रो वैल्यू आपन को डायमीटर ऑफ द बोल्ट दिला तिन आपन कहिला जे हेक्सागोनल नॉट रे जोटा के आपन को थिकनेस होइता सेटा को केते रेंज पजंत आपन को वैल्यू वेरिएशन करथै से आपन को आंसर हे जो कोनो 0.6d 2.8d आपन बी जो उत्तर ये थिला आजिकार चर्चा पिला माने एमसीक्यूज आपन को सहित चर्चा करली आशा करथु समस्त भल लागथिबो तो क्लास को रिपीटेडली देखथु प्रैक्टिस करथु आगु को पुनी क्लास नै के आसीबा सेत पजंत वीडियो को निश्चित लाइक करथु थैंक यू एवं